तेलंगाना के सूर्यापेट में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वह ऐसा चमत्कार हुआ है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, 18 साल के एक लड़के को अस्पताल ने ब्रेन डेड घोषित कर परिजनों को सौंप दिया था। उसके बाद जब माँ ने आखिरी बार रोते हुए अपने बेटे को आवाज लगाई तो माँ का रोना सुनकर मृत बेटे की आंख से आंसू बहने लगे। यह देख माँ ने डॉक्टर को बुलाया तो उसे वापस अस्पताल ले गए, जहां वह 3 दिनों के अंदर काफी हद तक ठीक हो गया। मामला तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के पिल्लाल मैरी गांव का है। 18 साल के एक गंधम किरण नाम के लड़के को अस्पताल ने ब्रेंडेड घोषित कर परिजनों को सौंप दिया था। उसके बाद लड़के की अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। माँ अपने बेटे के पास रो रही थी। माँ की चीख सुन बेटे की आंख से आंसू बहने लगे, जिसे देख परिजन उसे डॉक्टर के पास ले गए और वापस से अस्पताल में भर्ती करवाया। गंधम किरण को 16 जून को बुखार आया। बुखार के साथ उसे उल्टी भी होने लगी। इस वजह से उसे सूर्यापेट के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 28 जून को उसकी हालत और बिगड़ी तो उसे हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हैदराबाद के अस्पताल में वह 3 जुलाई तक कोमा की स्थिति में रहा। तब वहां के डॉक्टर ने कहा कि लड़के का ब्रेन डेड हो गया है और अब इसका बचना मुश्किल है, लेकिन माँ ने डॉक्टर की यह बात अस्वीकार कर दी। माँ सैदम्मा ने कहा कि मेरा बेटा अंतिम सांस तक हमारे गांव के घर में रहेगा, उसे हमें जीवन रक्षा उपकरण के साथ ही घर ले जाएंगे। इसके बाद माँ सैदम्मा बेटे को घर लेकर आ गई। उनके संबंधी लड़के के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। घर में टेंट लगने लगा और चीता जलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था भी कर ली। घर में उनके संबंधी रात भर रोते रहे। ऐसे में बेटे को देखने अंतिम बार माँ बिस्तर के पास गई और रोने लगी। माँ के रोने की आवाज सुनकर बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे। इसके बाद तत्काल लड़के को 4 इंजेक्शनों का डोज लगाया गया। इंजेक्शन लगाते ही लड़के की हालत ठीक होने लगी। 3 दिन बाद ही लड़का ठीक हो गया और धीमी आवाज में बात भी करने लगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।